तो प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर बड़ा हमला। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर निशाना साधा है, जनता की जेब क्यों काटने लगी है सरकार, ये प्रियंका गांधी ने कहा है। बिजली दर बढ़ाना जन विरोधी फैसला है, फैसला जो लिया गया है उस पर विचार पुनर्विचार होना चाहिए। यूपी सरकार ने 12% बिजली दर बढ़ाया है, किसानों की बिजली 15% जो है वो महंगी हो गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और निशाना साधा है योगी सरकार पर। जिस तरह से योगी सरकार ने कल आम लोगों को बड़ा झटका दिया है, बिजली दरों को बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब प्रियंका गांधी ने इस पूरे मामले पर निशाना साधा है। ट्वीट के माध्यम से प्रियंका गांधी ने यहां पर योगी सरकार पर हमला बोला है। तो ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो प्रियंका गांधी ने किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जनता की जेब क्यों काटने लगी है सरकार, और दूसरी तरफ बिजली दर बढ़ाना जन विरोधी फैसला है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये ट्वीट किया है, तो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि फैसले पर पुनर्विचार होना चाहिए। तो योगी सरकार ने बिजली की दरें बढ़ा दी है, जिसके बाद अब बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया, इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता आकाश यादव हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आकाश, बिजली की दरें सरकार ने बढ़ा दी है, अब इस बार सियासत भी शुरू हो गई है, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, इसके अलावा और क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? हाँ बिल्कुल, अच्छी बता दी, जिस प्रकार से देखा जाए बिजली की दरें बढ़ा दी गई हैं, 12 से 15% के आसपास बढ़ाई गई हैं, उत्तर प्रदेश में खासतौर से बढ़ाई गई, तो ये बड़ी बात है। जिस प्रकार से विपक्ष में देखा जाए तो प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश को लेके लगातार बैठक कर रही हैं, कल भी बैठक की, आज भी बैठक की, तो ऐसे में देखा जाए जिस प्रकार से खासतौर से उत्तर प्रदेश की बात की जाए, अगर एक हफ्ते के अंदर की बात की जाए तो लगातार डीजल के पेट्रोल के दाम बढ़े, उसके पहले उसके बाद से सिलेंडर के दाम बढ़े, अब जब बिजली विभाग के दाम बढ़े हैं तो बहुत बड़ी बात है। और विपक्ष की बात की जाए, चाहे कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, तमाम विपक्ष इस पे हमला बोलेगी, कह रहे हैं कि आम जनता का जो नुकसान है उसकी भरपाई कौन करेगी। तो बड़ा सवाल ये है कि जिस प्रकार से सरकार के ऊपर लगातार आरोप लगता है कि करीबन जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका जो बकाया उसे वसूल नहीं पा रहे हैं, उनका वसूल जब उनका पैसा ले नहीं पाए, आम जनता पे इतना बोझ क्यों ला रही है सरकार, ये बड़ा सवाल है। विपक्ष खड़ा कर रहा है, लेकिन अब इसके पक्ष में सरकार क्या बोलेगी ये देखना होगा। लेकिन खासतौर से प्रियंका गांधी की बात की जाए तो प्रियंका गांधी कांग्रेस के उत्तर प्रदेश की प्रभारी है, उसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश अपनी नजर बढ़ा रखी है, उपचुनाव सामने है जिसको देखते हुए लगातार देखा जा रहा है, तो वो अपनी राजनीति को स्टैंड कर रही है। उन्हें ये आशा है कि आने समय में अगर ये मुद्दे उठाएंगे तो आने समय में उनके उपचुनाव में कहीं ना कहीं फायदा होगा। बिल्कुल, चलिए कांग्रेस ने तो स्टैंड लिया है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो किसानों का बोझ ज्यादा बढ़ गया है, किसानों के लिए जो बिजली दर है वो ज्यादा हो गई है। आकाश, ऐसे में क्या लगता है, अगर उपचुनाव होते हैं तो क्या कांग्रेस इस मुद्दे का फायदा यहां पर उठाने की पूरी कोशिश करेगी या इस मुद्दे को भुना पाएगी? हाँ बिल्कुल, अच्छी क्योंकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की खासतौर से बात की जाए तो देखा पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए, डीजल के दाम बढ़ाए गए, उसके बाद बिजली के साथ साथ अब देखा जाए ग्रामीण क्षेत्रों में जो यूनिट पहले देखा जाए उसमें 50 से 60% बढ़ा है, और जो सर्विस चार्ज होता था वो 80 रुपए था वो 90 कर दिया गया, जिनके यहाँ मीटर नहीं था वहाँ 4 रुपए ले जाते थे, 5 रुपए ले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि डीजल का भी खपत होती है सिंचाई को लेते हुए। तो इन सब चीजों को बनाना चाहिए कि कांग्रेस लगातार क्योंकि अपने संगठन को मजबूत कर रही है, जैसा कि देखा जा रहा है प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश को देखते हुए बैठ के कर रही है, तमाम चीजें सामने हैं, उपचुनाव सामने हैं, हमें तो सीट का चुनाव अगले महीने है, बाकी 12 सीटों के चुनाव की घोषणा बहुत जल्द हो सकती है, तो कांग्रेस में खासतौर से प्रियंका गांधी प्रभारी है, प्रभारी होने के नाते लगातार उत्तर प्रदेश में दबाव बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर आम जनता तक बातचीत कर रही है, ट्विटर के माध्यम से लगातार वो जो है हमला बोल रही है सरकार पे, लेकिन सरकार का ये कहना होता है कि जिस प्रकार से इसके हमले हो रहे हैं कि सरकार की बात की जाए तो बहुत ही इसमें खासतौर से उनका ये कहना कि जो अर्थव्यवस्था उसे देखते हुए की तरह, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से प्रियंका गांधी की बात की जाए या फिर अन्य विपक्ष की बात की जाए, चाहे मायावती हो या फिर अखिलेश यादव हो, ये भी उसको हमला हुआ हुए हैं इसको देखते हुए कि जिस प्रकार से दरें बढ़ी हैं तो आम जनता को ना कहीं नुकसान है, खासतौर से किसानों को ग्रामीण क्षेत्रों में नुकसान है, तो सरकार अब क्या करे, क्योंकि 12 सितंबर से ये लागू होगा, उसके पहले क्या इन सभी वर्ष की मांगों को देखते हुए अपने घटाएगी दरें, कैसी दर को लागू करेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। सचिव आकाश, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो किसानों की बिजली जो है 15% यहां पर महंगी हुई है और उपचुनाव नजदीक है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहां पर ट्वीट किया है और ट्वीट के माध्यम से यहां पर निशाना साधा है सरकार पर।